आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। सीएम रघुवर का सोरेन परिवार और विपक्ष पर खुला प्रहार, जमीन लुटेरा कर रहा रखवाली की बात, संथाल परगना धनबाद और रांची में लूट ली गरीबों की जमीन, सीएनटी एसपीटी एक्ट का किया खुला उल्लंघन, अब कर रहा भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध, एक एक दिन में 6-6 रजिस्ट्री करवाई हेमंत सोरेन ने, कहां से आए इतने पैसे, क्या नोट छापने की मशीन थी उनके पास, वर्षों बरस आदिवासी और गरीबों को बरगलाया और फिर भर ली मत पेटी और अर्थ पेटी, झारखंड के लुटेरे बना रहे महागठबंधन, पहले झारखंड का 4,000 करोड़ लूटा, करोड़ों करोड़ों की जमीन हड़पी और अब फिर लूट की योजना बना रहे झामुमो कांग्रेस और राजद, ऐसे लुटेरों से सावधान रहिए, झारखंड की हिफाजत कीजिए और करारा तमाचा मारिए, जिस दिन गरीबों की स्थिति सुधर जाएगी उस दिन कौन कहेगा इनको विषम गुरु, हमने किया खुलासा, अब सोरेन परिवार बताए हमने क्या कमाया, राजीव की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को पूरे रॉ में थे, उन्होंने खुले मंच से झारखंड के सोरेन परिवार और विपक्ष पर बुधवार को खुला हमला बोला, एक के बाद एक खुला से किए गंभीर आरोप लगाए और उन्हें खुली चुनौती दे दी, जैसे जैसे मुख्यमंत्री सोरेन परिवार और विपक्ष पर हमला बोल रहे थे वैसे वैसे भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से उनका समर्थन कर रही थी, बीच बीच में भीड़ की तरफ से रघुवर रघुवर की आवाज भी आ रही थी। अपने 3.5 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में रघुवर दास ने पहली बार सोरेन परिवार और विपक्ष पर इतना खुला, इतना करारा और इतना तथ्यात्मक हमला बोला, उन्होंने ये चुनौती भी दे दी कि हमने तो उनकी पोल खोल दी, उनके अरबों के घपले गिना दिए, वे भी बताएं कि इतने दिनों के राजनीतिक जीवन में मैंने क्या कमाया। रांची से 17 किलोमीटर दूर कांके के गावी गांव में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किसानों की चौपाल लगाई थी, सभा तो बुलाई थी उनको सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए, लेकिन जब बात आगे बढ़ी तो दूर तलक चली गई। उन्होंने एक एक कर शिबू सोरेन परिवार की बखिया उधेड़ दी, साथ ही उन्होंने कांग्रेस और राजद की जन्म कुंडली भी खंगाल डाली, ये कहते हुए कि कैसे उन्होंने मधु कोड़ा की आड़ में झारखंड के 4,000 करोड़ रुपए लूट लिए और बेचारा आदिवासी मधु कोड़ा को फंसा दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सोरेन परिवार पर हमला बोला, उन्होंने कहा कि आज वो व्यक्ति भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध कर रहा है जिसके स्वभाव में ही है जमीन की लूट, ये परिवार कभी नहीं चाहता कि यहाँ गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिले, आंगनबाड़ी केंद्र खुले, सड़कें बने, विकास हो, ये लोग झारखंड को गुमराह करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि ये सर्वविदित है कि झारखंड में सोरेन परिवार ने जमकर लूट मचाई है, सीएनटी एक्ट का खुला उल्लंघन किया है, दुमका साहिबगंज बोकारो धनबाद और रांची में गरीब आदिवासियों की जमीन कौड़ियों के मोल हड़प ली, सोरेन परिवार ने एक दिन में 6-6 रजिस्ट्री करवाई, उन्होंने पत्नी भाई और बहू के नाम पर रजिस्ट्री कराई, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि ये पैसे उनके पास कहाँ से आए, क्या उनके पास नोट छापने की मशीन है, दरअसल उन्होंने गरीब और आदिवासियों को बरगलाया और फिर जमकर लूट मचाई, ये गरीबों के लूट का पैसा है, झारखंड में अब तक अगर किसी ने सबसे ज्यादा आदिवासियों को लूटा है तो वो सोरेन परिवार ही है, पूरा झारखंड जानता है कि उन्होंने राजू उरांव की जमीन कैसे हड़प ली, वो चीख चीख कर कहता रहा कि हेमंत सोरेन के लोगों ने उसकी जमीन हड़प ली, उन्होंने खुली चौपाल से हेमंत सोरेन को ये चुनौती दी कि वो भी बताएं कि मैंने क्या कमाया, हमने तो गिना दिए कि सोरेन परिवार ने किस तरह झारखंड को लूटा, मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूँ कि वे बताएं कि मेरे पास कितनी जमीन है, मैंने कितना कमाया है, राजनीति में मैं बहुत दिनों से हूँ, लगातार विधायक हूँ, मंत्री भी रहा हूँ, जनता के आशीर्वाद से 2014 में झारखंड का मुख्यमंत्री बना हूँ,
मुझे ना तो जमीन का लोभ है और ना हराम का पैसा खाने का। मुझे एक रुपया लेना देना नहीं है। मेरा संकल्प है कि इस राज्य से गरीबी को खत्म करना। विकास विरोधी सोरेन परिवार और विपक्ष ने आदिवासियों को बरगलाकर मत पेटी और अर्थ पेटी भरी है। सोरेन परिवार ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आदिवासियों के जीवन स्तर में बदलाव कैसे आएगा, गांव में स्कूल कैसे खुलेगा, बिजली कैसे आएगी। दरअसल सोरेन परिवार ये अच्छी तरह जानता है कि अगर ये सब सुविधाएं गांव में आ गईं और आदिवासियों का जीवन स्तर सुधर गया तो फिर उन्हें दिशोम गुरु कौन कहेगा। सीएम ने कहा कि 2006 में बेचारा निर्दलीय मधु कोड़ा को सीएम बनाकर झामुमो कांग्रेस और राजद ने झारखंड के 4,000 करोड़ रुपए लूट लिए। इसमें मोहरा बना दिया मधु कोड़ा को और लूट का माल रख लिया अपने पास। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी 10 सालों तक घोटाला करती रही। कांग्रेस, राजद और झामुमो एक बार फिर झारखंड को लूटने के लिए महागठबंधन बना रहे हैं। इस महागठबंधन को बेनकाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास की राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति नहीं। सीएम ने कहा कि विकास विरोधी विपक्ष से सावधान रहने की जरूरत है। विकास विरोधी विपक्ष के मुंह पर जनता करारा तमाचा मारेगी। भूमि अधिग्रहण बिल में जनता के लिए सरलीकरण किया गया है। बजट पूर्व संगोष्ठी और सीएम जनसंवाद केंद्र के दौरान लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि सरकारी योजना के लिए जमीन तो ले ली गई लेकिन वर्षों से मुआवजा की राशि नहीं दी गई। वो गरीब जमीन देने के बाद सालों साल दरवाजे दरवाजे दौड़ता रहता था। बच्चे बच्चियां पढ़ाई के लिए 8 से 10 किलोमीटर तक सफर करते थे। इस बिल के बाद 8 माह के अंदर 4 गुना अधिक मुआवजा राशि जमीन मालिक को दे दी जाएगी। सीएम ने कहा कि भाजपा ने जब जब विकास करना चाहा तो उन्होंने सरकार गिरा दी। 2014 के पहले सरकार में बिचौलिया और दलाल का गिरोह सक्रिय था। सत्ता लोलुप नेताओं ने झारखंड को जमकर लूटा। मैं संकल्प लेता हूं कि अब झारखंड को लूटने नहीं दूंगा। आप ही लुटेरों को करारा तमाचा मारने के लिए तैयार रहें। आजाद सिपाही विशेष में अब तक इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।